वेलकम टू ऑल ऑफ यू. टुडे आई एम गोइंग टू फोकस ऑन लेटर, हाउ टू राइट अ लेटर. सो एट फर्स्ट लेटर कम्स इन टू सेक्शन, ग्रामर सेक्शन एंड राइटिंग सेक्शन. इट इज द सेक्शन ऑफ राइटिंग पार्ट्स. सो लेटर इज डिवाइडेड इन टू टू पार्ट्स. क्लियर? मेनली टू पार्ट्स. एक्चुअली इट इज नन एज फोर पार्ट्स. फर्स्ट पर्सनल लेटर मीन्स व्यक्तिगत लेटर. जब व्यक्तिगत तौर पर मैं जब किसी व्यक्ति विशेष को दे रहा हूँ, माता को, पिता को, अपने रिलेटिव्स को, तो इस प्रकार के पत्र को पर्सनल लेटर्स कहते हैं, जो इनफॉर्मल में ही आते हैं. सेकेंड, एप्लीकेशन. जो अप्लाई मैं करता हूँ किसी जॉब के लिए, किसी कार्य के लिए, जब मैं प्रिंसिपल को या किसी व्यक्ति विशेष को जब ऑफिस में जब कोई अप्लाई एप्लीकेशन देता हूँ, उसे एक एप्लीकेशन, ये भी एक प्रकार का पत्र है. और थर्ड, ऑफिशियल लेटर, जो ऑफिस में सबमिट किया जाता है और बिजनेस पर्पज से जो पत्र लिखे जाते हैं उसे बिजनेस लेटर कहा जाता है. लेकिन एक्चुअली अगर देखा जाता है तो लेटर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. Here it is shown that letter is divided into two parts. First, formal letter and second, informal letter. Formal letter means औपचारिक पत्र और informal means अनौपचारिक पत्र. औपचारिकता निभाते हुए, पूरी क्रमबद्धता से नियम का पालन करते हुए, जो भी रूल और रेगुलेशन जो पत्र लेखन कला में जो आती हैं, सारे नियम का फॉलो करते हुए अगर एक विधिवत पत्र लिखा जाता है, उस प्रकार के पत्र को फॉर्मल लेटर मीन्स औपचारिक पत्र कहा जाता है. क्योंकि वो ऑफिस पे दे रहा है, वो आपका फ्यूचर उस पर डिपेंड है. क्लियर? आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं और एप्लीकेशन अगर त्रुटि करते हैं, कुछ लिखने में गलती करते हैं, तो इट मीन्स यू आर फेल्योर, यू आर नॉट सिलेक्टेड. दैट्स व्हाई इट इज नन एज फॉर्मल लेटर, बिकॉज यू हैव टू फॉलो ऑल द शेड्यूल्स, ऑल द रूल्स एंड क्राइटेरिया to write the application or letters. Formal letter is also divided into official letter and business letter. You can say that official letter and business letters is known as formal letter. आप जो भी पत्र ऑफिस में देते हैं, जो व्यक्ति ऑफिस में बैठे हैं, प्रिंसिपल ऑफिस में बैठे हैं, प्रिंसिपल को आप पत्र घर पे तो देंगे नहीं. जब भी वो प्रिंसिपल को पत्र अगर एप्लीकेशन सबमिट करना होता है, उनके ऑफिस में जाकर देते हैं. एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को यदि पत्र देते हैं, अगर लेटर देते हैं, तो उनके ऑफिस में जाकर देना पड़ता है. तो वैसे पत्र जो ऑफिस में दिए जाते हैं, उन पत्रों को ऑफिशियल लेटर कहा जाता है. मीन्स द लेटर्स विच इज गिवन और सबमिटेड टू द ऑफिस, सच टाइप ऑफ लेटर्स आर नन एज ऑफिशियल लेटर और फॉर्मल लेटर. क्लियर? तो ऑफिशियल और बिजनेस दोनों में से किसी प्रकार के पत्र का अगर लेखन करते हैं, तो उसे मैं ऑफिस के थ्रू देता हूं, ऑफिस में देता हूं जाकर, इसलिए इस प्रकार के पत्र को फॉर्मल लेटर में किस श्रेणी में रखा जाता है. सेकेंड, इनफॉर्मल लेटर, जस्ट अपोजिट ऑफ इट. इनफॉर्मल अनौपचारिक पत्र, अगर लिखने में कोई गलतियां हो भी जाती है तो उतनी मायने नहीं रखती है जितनी की फॉर्मल में होती. वैसे प्रयास करना चाहिए कि गलती कम से कम हो. ठीक है? इन फॉर्मल लेटर्स में क्या आते हैं? रिलेटिव्स और ब्लड रिलेशंस. ब्लड रिलेशन का मतलब होता है जिससे हमारा खून का संबंध हो, माता हुए, पिता, भाई, बहन, मामा, ठीक है, मैटरनल अंकल, ये सब आते हैं ब्लड रिलेशन और रिलेटिव्स, अंकल, और भी जिनसे हमारा पूर्व परिचय है, जो परिचित व्यक्ति हो गए, जिनसे हमारा प्रेम संबंध बढ़ गया है यहाँ पर सोशलिज्म को देखते हुए, तो उन प्रकार के संबंध को रिलेटिव्स कहते हैं और ब्लड रिलेशन. और इनके पास जो पत्र दिया जाता है और इस पत्र को हम इनफॉर्मल लेटर कहा जाता है. मतलब वैसे पत्र जिसे घर में दिया जाता है, द लेटर्स विच इज गिवन इन पर्टिकुलर रेसिडेंस और हाउस इज नन एज सच टाइप ऑफ लेटर्स आर नन एज इनफॉर्मल लेटर. तो इन दिस वे वी कैन से दैट लेटर इज डिवाइडेड इंटू मेनली टू पार्ट्स, फॉर्मल लेटर एंड इनफॉर्मल लेटर. क्लियर? नाउ आई एम गोइंग टू सबमिट द फॉर्मेट ऑफ द फॉर्मल लेटर. फॉर्मेट, फॉर्मेट मीन्स होता है प्रारूप. पत्र का प्रारूप क्या है? पत्र आप लिख रहे हैं लेकिन उसका फॉर्मेट ही गलत है, तो इसका मतलब आप फेल्योर हो गए. पहले सबसे पहले किसी की फॉर्मेट देखी जाती है. फॉर्मेट से पहचान होती है कि बच्चे को पत्र लिखने की कला मालूम है या नहीं है, यह उस पर डिपेंड करता है. इसलिए सबसे पहले फॉर्मेट पर ध्यान दिया जाए. फर्स्ट फॉर्मेट में मैंने दिया है सेंडर्स एड्रेस. सेंडर्स मीन्स जो भेजता है. मैं पत्र लिख रहा हूँ, आई एम राइटर, सो आई एम सेंडर, सो माई एड्रेस विल बी मेंशन्ड हियर, नॉट माई नेम, ओनली एड्रेस. सो सेंडर्स एड्रेस एट द लेफ्ट साइड ऑफ द टॉप ऑफ नोटबुक ऑफ योर कॉपी और एनीवेयर यू आर गोइंग टू राइट. तो लेफ्ट साइड एट द टॉप ऑफ द लेटर सेंडर्स एड्रेस विल बी मेंशन्ड जस्ट बिलो बाई गिविंग ए स्पेस. स्पेस शुड बी प्रोवाइडेड, इट इज द रूल.
By giving a space, date will be mentioned, and date will be mentioned in word, not in digit. Just like 10 May means 10th May 2020. Clear? Date is mentioned in word, not in digit. Just like 10th May 2020, not in 10th 520. It is wrong process. It is only written in email, electronic mail. But in every letter or application, maybe formal or informal letter, date should be written in this way, means in word, not in digit. Clear? After that, by giving a space, means a space should be given just below sender's address, yeah, just after sender address and just after date. So, a space here will be given and just below date, a space will be given. By giving a space, receiver address. Receiver address means जो receive कर रहा है, जिस व्यक्ति को पत्र आप दे रहे, to whom person you are going to write. The person is known as receiver. Receiver address should be mentioned here, just below subject. What is the subject? Subject is depend on the questions, on the matter, on the topic. Clear? तो सब्जेक्ट आपका वह होगा जो क्वेश्चंस जो दिया है उस क्वेश्चन के अनुसार आपका सब्जेक्ट मेंशन किया जाएगा. और सब्जेक्ट में भी ये तो चेंजेबल है, चेंजिंग भी किया जा सकता है. सब्जेक्ट सटीक होना चाहिए, छोटा और सटीक होना चाहिए जो समझ में आ जाए. सब्जेक्ट जस्ट बिलो सैल्यूटेशन. सैल्यूटेशन अभिवादन जिसको बोलते हैं, रिस्पेक्टेड या जो भी हो वो यहां पर दिया जाता है. इसके बाद मेन बॉडी. मेन बॉडी के बाद कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज बाय सिग्नेचर बाय गिविंग नेम. It is the closing of the letter. That's why. And three format is applied in whole world. Clear? Three type of format is applied in whole world. It is the first type, second type. Sometimes date is mentioned at the top of the letter. Date is mentioned here, just below sender's address, receiver address, subject, salutation, and main body. Thirdly, at first receiver address, space by giving a space, date, thereafter subject, thereafter salutation, and thereafter main body. In this way we can use three type of formats in whole world. Clear? Now I am going to focus on the informal letter. It was the format of formal letter and it is the format of informal letter. Informal letter, jaisa ki maine pehle aapko bataya tha, ये सब पत्र जो घर पे जो दिए जाते हैं, सगे संबंधी को देते हैं, अपने पिता को, माता को, बड़े भाई, बड़ी बहन या जो भी किसी को देते हैं, तो इस प्रकार के पत्र को इनफॉर्मल लेटर कहा जाता है. इस प्रकार के पत्र, अब देखें फॉर्मेट ऑफ इनफॉर्मल लेटर. पत्र लिखने के पहले मैं आपको यह भी बता देता हूं, ट्रेडिशनल वे में पत्र कैसे लिखा जाता था. डिफरेंस बिटवीन द ट्रेडिशनल वे एंड मॉडर्न वे, देयर इज समथिंग डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम. पहले ट्रेडिशनल वे में होता क्या था, पहले यहां सैल्यूटेशन देते थे और राइट साइड में डेट और प्लेस, यहां डेट आपका होता था और यहां प्लेस, जिस प्लेस से आप लिखते थे पत्र को, जिस स्थान से लिखते हैं उसका नाम यहां प्लेस का रहता था राइट साइड में और डेट मेंशन किया होता था. और यहां सिर्फ सैल्यूटेशन दिया जाता था. सैल्यूटेशन ये अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल ग्रामर के अनुसार था. मॉडर्न ग्रामर ने क्या किया कि इस डेट और प्लेस को लाकर यहां एडजस्टमेंट कर दिया. प्लेस को उसने यहां दिया और डेट को उसने यहां दिया. आप ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लेस और पहले यहां डेट मेंशन किया था. प्लेस को उसने क्या किया कि लेफ्ट साइड में, राइट साइड से लाकर उसने लेफ्ट में कर दिया और कुछ भी परिवर्तन नहीं किया है. उसने किया क्या कि जो ट्रेडिशनल वे में जो प्लेस राइट साइड और डेट दोनों का जो मेंशन करते थे, उसने मॉडर्न ग्रामर ने क्या किया कि इस प्लेस को लेफ्ट साइड में और जस्ट बिलो डेट को उसने लेफ्ट साइड में मेंशन कर दिया. मींस सिर्फ उसके लिखने के तरीके में सिस्टम उसने परिवर्तन किया है, उसने अपना कोई परिवर्तन नहीं किया. जैसे सपोज दैट, मान लीजिए यह एक रूम है, इस रूम में मैं रह रहा हूं और मैंने अपने तरीके से सामान का रख रखाव किया, इसकी साज सज्जा मैंने अपने तरीके से किया. जस्ट भाई मान लीजिए कि क्लासरूम यदि है तो बोर्ड को मैंने इस वे में दिया दीवार में, बाकी बेंचेस को उस रो में मैंने कर दिया, इधर सेल्फ रख दिया, अलमीरा जो भी है वो रख दिया, उसके बाद उधर जो भी सामग्री मेरी रखनी है मैंने रख दिया. कुछ समय के उपरांत जब मैं यहां से चला जाता हूं और दूसरा रेंटर जब इस रूम में आता है,
या दूसरा कोई व्यक्ति इस रूम में आता है, कक्ष में आता है, वो अपने तरीके से इसका सजावट करेगा। वो क्या करता है, इस बोर्ड को उठाकर वो उस डायरेक्शन में लगा देगा, बेंच को जस्ट अपोजिट इस डायरेक्शन में लगा देगा, सेल्फ अलमीरा जो इस डायरेक्शन में था वो उस डायरेक्शन में रख सकता है। तो कहने का मतलब है कि सामान के रख रखाव में के परिवर्तन करने से ये रूम का कंस्ट्रक्शन नहीं बदलता है, रूम का कंस्ट्रक्शन वही रहेगा, सिर्फ आपने सामान के रख रखाव में परिवर्तन किया है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज किया है, और डायरेक्शन चेंज करने से कंस्ट्रक्शन चेंज नहीं होता है। ठीक उसी तरह से मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल ग्रामेरी ने क्या किया है कि ट्रेडिशनल जो भी यूज किया था उसके लिखने के तरीकों को उसने बदल दिया, उसने ट्रेडिशनल वे में इस तरीके से लिखा और मॉडर्न ग्रामेरी ने उसे अपने न्यूली वे में इस तरीके से लिखा, इसलिए इसने सामान का एडजस्टमेंट की तरह से उसने लेटर और वर्ड का एडजस्टमेंट किया, उसने कॉन्टेंट तो बस वही है, उसी चीज को उसने भी इंडिकेट किया था जो मॉडर्न ग्रामर ने इंडिकेट कर रहा है। तो इस तरह से आज का पैटर्न मॉडर्न वे का पैटर्न इस वजह से चेंज हो गया है। अब आते हैं हम लोग इनफॉर्मल लेटर मींस अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक का फॉर्मेट में आप देख रहे हैं यहां पर सेंडर से एड्रेस यहां भी आपको दिया गया है, इसके बाद डेट और सैल्यूटेशन। अब यहां ध्यान देने के बाद रिसीवर एड्रेस और सब्जेक्ट इज नॉट मेंशन हियर मींस रिसीवर्स एड्रेस एंड सब्जेक्ट इज मेंशन ओनली इन फॉर्मल लेटर एंड दीज आर नॉट यूज इन इनफॉर्मल लेटर, दैट्स व्हाई इट इज नॉट मेंशन हियर। तो इनफॉर्मल लेटर में क्या आपने देखा, सेंडर्स एड्रेस, हु इज सेंडर, आई एम राइटिंग लेटर्स मींस आई एम सेंडर, इफ यू आर राइटिंग लेटर यू आर सेंडर्स, योर एड्रेस विल बी मेंशन हियर, इफ आई एम राइटर तो माई एड्रेस विल बी मेंशन हियर। तो यहां आपका सेंडर्स एड्रेस हो जाएगा जो पत्र लिख रहे हैं उनका पता, नॉट नेम, सेंडर्स नेम यहां मेंशन नहीं किया गया, सेंडर्स एड्रेस, इसलिए आपका एड्रेस होगा किस स्थान पर आप रहते हैं उस स्थान का पूरा पता यहां पर देना होगा। तो सेंडर्स एड्रेस एट फर्स्ट एट द टॉप एंड लेफ्ट साइड ऑफ योर नोटबुक, सेंडर्स एड्रेस बाय गिविंग स्पेस शुड बी गिवन हेयर, बाय गिविंग स्पेस डेट विल बी मेंशन एंड डेट विल बी मेंशन इन वर्ड नॉट इन डिजिट, क्लियर। 10th May 2020 इन दिस वे, जस्ट बिलो बाय गिविंग स्पेस सैल्यूटेशन मस्ट बी गिवेन, देयर आफ्टर मैन बॉडी विल बी डिपेंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस कैसा है, प्रश्न क्या है, प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है उसके आधार पर मैन बॉडी दिए जाएंगे, और नीचे जो आपका कंप्लीमेंट्री जो आपने क्लोज किया कंप्लीमेंट्री क्लोज में अभिवादन देकर आप अपना यहां पर नाम मेंशन कर सकते हैं। ये आपका फॉर्मेट हुआ। अब इस फॉर्मेट के सहायता से तरीके से अलग अलग तरीके से मैं पत्र लिखूंगा और पत्र लिखने के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू राइट लेटर इधर फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर, और नेक्स्ट चैप्टर में मैं आपको इसके विषय बताऊंगा ये पत्र लेखन कैसे किया जाता है। दैट्स ऑल।